शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आजकल के साहब और मेम साहब शायद ये नहीं जानते कि हमारे शिव जी बहुत सुंदर हैं, परंतु जब वो दाढ़ी मूछ लगाकर अपनी पार्वती जी से लगन रचाने आए तो सब लोग उन्हें देखकर चंबे में पड़ गए। मैं जानता हूँ कानून इन मुजरिमों को सजा देगा, लेकिन मैं इस अदालत से पूछता हूँ कि क्या कोई ऐसा कानून है जो मेरे पिताजी की जिंदगी के वो बेहतरीन बरस लौटा सके जो उन्होंने अपने घर के सुख से दूर और अपनी औलाद से बिछड़ के काटे हैं। भगवान पर मेरा यकीन नहीं, लेकिन किस्मत जरूर कोई चीज है कैप्टन, वरना एक से चेहरे एक फौज में एक जगह है बड़ी खुशी हुई। अब आप बहुत होशियार हो गए हैं, आपको किसी भी शोहर की जरूरत नहीं, आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, चलने से नहीं रुकेगी और आपको सीधा घर पहुंचा देगी। इसके अलावा आपको मेरी कोट की कोई जरूरत नहीं, इसलिए ना ही तो आप भीगी हैं ना ही छींक रही हैं, मुझे मेरा कोट वापस दे दीजिए, इसलिए कि आपसे ज्यादा मुझे इसकी जरूरत है, और मेहरबानी करके गाड़ी रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना है। भगवान ने तुम्हें इतनी बड़ी भूमिका दी है तो सिर्फ इसलिए उसे तुम पर भरोसा है, विश्वास है। लेकिन आज तुमसे मैंने एक बात सीखी कि वो झूठ सत से हजार गुना बड़ा है, क्योंकि जिस दुखी को शांति दे सुख पहुंचा। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्म सितम सर आंखों पर। स्टाइल आइकॉन देव आनंद के दीवानों में लड़के लड़कियां बराबरी से शामिल थे। लड़कियों के लिए देव आनंद उनका क्रश और पहला प्यार थे, और लड़कों के लिए इंस्पिरेशन। लेकिन एवरग्रीन, रोमांटिक और स्टाइलिश इमेज वाले देव आनंद की शुरुआती फिल्में ज्यादातर क्राइम थ्रिलर्स और नुआर फिल्म्स हुआ करती थी, जिनके ग्रे शेड्स वाले लीड कैरेक्टर्स में उन्हें काफी पसंद किया गया। कलर एरा में भी देव साहब की सबसे बड़ी हिट्स म्यूजिकल थ्रिलर्स ही रही, जैसे जुअल थीफ और जॉनी मेरा नाम। ये देव साहब का करिश्मा और चार्म ही था जिसने थ्रिलर फिल्म्स के बीच उन्हें एवरग्रीन रोमांटिक हीरो का खिताब दिलवा दिया। अपने इसी खिताब की बदौलत वो 50s और 60s के अकेले ऐसे हीरो साबित हुए जो दिलीप कुमार और राज कपूर को पीछे छोड़ 70s में भी काफी डिमांड में रहे। सर, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, होटल में शराब पीकर लोगों के मुंह खुल जाते हैं और कान बंद हो जाते हैं। मेरा मुंह बंद हो जाता है, कान खुल जाते हैं, सबकी बातें सुनता हूँ और मतलब की बात पल्ले बांध लेता हूँ। माल भी तो काफी पल्ले बांध चुके हैं। आहिस्ता बोली सरकार, गरीब आदमी हूँ, कहीं बगला भगत ने सुन लिया तो आप तो 10% देते हैं, वो 100% ही ले जाएगा। उनकी रोमांटिक हीरो की इमेज में उनके फिल्मी गानों का बहुत बड़ा हाथ रहा। इसका एक एग्जाम्पल है फिल्म जंजीर, जो उन्होंने इस वजह से नहीं की क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट में उन पर एक भी रोमांटिक गाने का स्कोप नहीं था। नवकेतन की शुरुआत से ही म्यूजिक डायरेक्टर एसडी बर्मन उनके साथ जुड़ गए थे, और नवकेतन के बाहर की फिल्मों में भी उन्होंने म्यूजिक को हमेशा इम्पोर्टेंस दिया। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। हम पे खुदी में तुम को पुकारे चल गए, सागर में जिंदगी को उतारे। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को, ओ
और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। The ambitious देवानंद हमेशा कुछ नया करने में लगे रहते थे। उनकी फिल्म्स तीन देवियां और गाइड के एक्सपेरिमेंटल, मॉडर्न और बोल्ड सब्जेक्ट्स इस बात का सबूत हैं। तीन देवियां एक ऐसे लड़के की कहानी है जो तीन लड़कियों से एक ही वक्त पर प्यार कर बैठता है और उनके बीच कंफ्यूज्ड है। नंदा, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ, ना तुम्हें, ना अपने आप को, ना किसी और को, लेकिन हो सकता है कि मेरा दिल मुझे धोखा दे रहा है। समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे अंदर, मेरे बस में, मेरे अख्तियार में कुछ नहीं रहा है। थोड़ा वक्त तो मुझे संभलने का, लटखड़ा रहा हूँ मैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं संभलेगा, जैसे ही चलता रहेगा, शुरू होगा, खत्म होगा, फिर शुरू होगा। तो आप खूब लग रहे हैं शानदार, बेमिसाल, लाजवाब, अनोखी, निराली, बस, और बहुत सुंदर, खूबसूरत, और आकाश की परियों की तरह, और आप कुछ भी नहीं लग रही हैं, भद्दी और भोंदू और बेहुदा, और आप खुशामत पसंद है, मैं आपकी खुशामत कर रहा था। यही परेशानी है कि हम दोनों परेशान हैं, आप दोनों तरफ बराबर हैं, और सिर्फ इतना है कि तुम्हारे दिल में जो शोले हैं वो मन ही मन में झुलस के राख हुए जा रहे हैं, और जो लपटे मेरे अंदर हैं वो अपनी आग दो तरफ और भी फेंक रही। सिर्फ चार या पाँच या सात रोज दो मुझे, अगर आया तो सिर्फ तुम्हें हाँ कहने आऊंगा, और अगर नहीं आया तो समझ लेना कि देव कभी नहीं आएगा। एक नहीं कई परेशानियां हैं मेहरबान, तीन एक एक करके सुलझाते हैं। इनमें सबसे पहली और अहम परेशानी लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी वो भी लड़की। वाह वाह, कितनी हसीन परेशानियां हैं, आप बहुत खुशनसीब हैं मेहरबान। यही तो परेशानियां हैं जिनके लिए दुनिया घूमती है, घूमती आई है और घूमती रहेगी। आज के दौर के कई यंगस्टर्स तीन देवियां के उनके कैरेक्टर के साथ रिलेट कर सकते हैं। तीन देवियां एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी जिसका क्लाइमैक्स कलर में शूट किया गया था। वहीं गाइड नवकेतन की फुल फ्लेज्ड कलर फिल्म थी जिसे देव साहब के छोटे भाई विजय आनंद ने डायरेक्ट की थी। गाइड अपने वक्त से बहुत आगे की फिल्म थी जिसमें एक शादीशुदा औरत के एम्बिशंस और अफेयर जैसे अनयूजुअल सब्जेक्ट को बड़ी सेंसिटिविटी के साथ पेश किया गया था। गाइड देव साहब और उनकी हीरोइन वहीदा रहमान के करियर्स की माइलस्टोन फिल्म साबित हुई जिसे कमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस के साथ साथ ऑस्कर्स में भी एंट्री मिली। तो हो जाए द मच अहेड ऑफ हिज टाइम देव आनंद के कुछ सीन्स। मैं से गरज निशात है किस रूह से आको, एक गुना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। शक्ल से तो आप बहुत भोले नजर आते थे। इस शक्ल से आप जैसी बहुत सोने धोखा खाया है और बाद में मर बैठी हैं। बड़ा गरूर है अपने आप पर, लेकिन खैर आप हमारे घर आए हुए हैं और हम मेहमान की खातिर करना जानते हैं, इसीलिए तो हम भी आप तक खींचे हुए चले आए हैं। इसके मंगाने की क्या जरूरत थी, बस यूं ही हंस के बात करती रहती हमें नशा हो जाता। वो नशा जरा ज्यादा तेज है, उससे बहुत से बहक जाया करते हैं, आप इसी से शौक कीजिए। अगर इसी का नशा कराना है तो फिर अपने इन गुलाबी हाथों से पिलाइए। और पियेंगे? जी हाँ, क्योंकि अभी तक आपसे सुने हुए गीत की तरफ ही बाकी है। क्या इतना गया गुजरा था वो गीत? मैं आपके हुस्न की तारीफ कर सकता हूँ, मगर एक शायर होते हुए एक फीके गीत की तारीफ नहीं कर सकता। अच्छा, तो गोया आप भी शेर कहते हैं? मगर इतने निकम्मे नहीं जैसे कि आपके गीत के बोल। जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, लिपट रहती राजा तोरे बंगले पर, लाल बिला लिपट रहती हूँ। शुक्र है आपको गीत ही बेमजा लगा, मैं तो डर रही थी कहीं मेरा गाना भी आपके कानों पर बार न गुजरा। और तो मैं अपनी तारीफ सुनने की कितनी बेताबी रहती है। मैं तो बिन कहे आपके गाने की तारीफ करने वाला था, मगर यह जरूर कहूंगा कि अगर इस सुरीली आवाज से गाना भी हसीन गाया होता तो कयामत ना आ गई होती।
कहाँ चुरा कर भाग रहे थे मेरी गाड़ी? अच्छा तो गाड़ी आपकी है, मैं समझा उस बुद्धू की है। बात ही हुई मेम साहब कि मुझे गांव जाना था, मैंने आपके ड्राइवर उर्फ बुद्धू मियाँ से कहा, बुद्धू मियाँ भैया मुझे गांव ले चलो, लेकिन वो हजरत लगे अकड़ने। अरे बस फिर मेरा घूसा जमाना, उसका उलट के वो गिरना और मेरा रवाना होना। मतलब ये कि वो पहिया पहिया आ रहे हैं और हम एक सुंदरी के साथ शहर जा रहे हैं। सुंदरी को नहीं जाना, आप जाइए। कैसे जाऊं मेम साहब, गाड़ी एक मुसाफिर तो। आप तशरीफ रखिए, मैं ड्राइवर की खिदमत बजा लाता हूँ। ड्राइवर की जगह नहीं है, देख लीजिए शायद किसी कोने में थोड़ी सी जगह हो। बकवास मत करो, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। यहाँ जंगल में पुलिस का साथ ले चलिए और अपने हाथों से पुलिस के हवाले कर। बड़े होशियार बनते हो, दफा हो जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। अभी आपके जाने की उम्र तो नहीं है, खैर ये लीजिए जाइए। मिस हाय, क्या ख्याल है ड्राइवर की जगह है? आप चाहे तो मैं आपको लिफ्ट दे सकती हूँ। समझ तो आपको आती है लेकिन जरा देर से, जवाब नहीं। मिस हाय, मिस हाय। गीता जी, बहुत जल्द हम देवलाली पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप कहाँ और मैं कहाँ, कौन जाने फिर हम कभी ना मिले। जो बात कई रोज से आपसे कहना चाह रहा था उसे कहने का यह आखिरी मौका है। चांद से दमकते हुए चेहरे को देखकर, इन मत वाली आंखों में डूब कर बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत है। क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगी? गीता जी, हम बहुत जल्द दिल्ली पहुंच जाएंगे, फिर आप कहां मैं कहां, कौन जाने फिर हम कभी ना मिलेंगे। जो बात आपसे कई रोज से कहना चाह रहा हूँ, ये कहने का आखिरी मौका है। चांद से दमकते हुए चेहरे को देखकर, इन मत वाली आंखों में डूब कर सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मुझे मुझे भूख लगी। क्या क्या हुआ? मुझे यहाँ उतरना है। क्या? क्योंकि देवलाली है। हाँ वो देवलाली है, मगर गीता जी मुझे मुझे तो आपसे बहुत सी बातें करनी हुई। आप बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया। मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। शुक्रिया। मगर गीता जी असली बात मैंने अब तक की नहीं, वो ये कि मैम आप बहुत अच्छी, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। आप पहले भी कह चुके हैं। मैं आपको खत लिखूंगा। क्या इस उम्मीद के साथ आए थे तुम कचहरे में कि कानून तुम्हें सच्चाई का खिताब देगा? शहीद बनने आए थे तुम? क्या सच बोल देने से तुम्हारे गुनाह मिट गए? क्या छिपे रहने से कानून से बचे रहते तुम जिंदगी भर? जिस कानून ने मुझे आज पकड़ा है कल तुम्हें नहीं पकड़ लेता। आखिर बुलाया किसने था तुम्हें कचहरी में? हम तुम्हें बचाने आए थे। मैं फांसी बचा जा रहा था जो मुझे बचाने की जरूरत थी। अपने आप का फरिश्ता समझ लिया था तुम लोगों ने जो मुझे बचाने की ताकत आ गई थी तुम्हें। नहीं मेरे दोस्त, कोई और ही बात थी जो तुम्हें वहां तक खींच लाई। तुम्हारे दिलों में आत्मा की वो चिंगारी पैदा हो चुकी थी जिसने तुम्हें सच बोलने पर मजबूर किया, जिसने तुमसे काला बाजार छुड़वाया, जिसने तुमसे सफेद बाजार खुलवाया। और मैं तो कहता हूं सफेद बाजार की भी जरूरत नहीं, उससे आने वाले पैसे की भी जरूरत नहीं। ऐसे हजारों सफेद बाजार फूक जाए मुझे परवाह नहीं, जरूरत है उस चिंगारी की जो धीरे धीरे उस ज्वाला का रूप धारण करने वाली थी, जिसकी लौ में हमारी जिंदगी के बाकी दिन जगमगा उठते। इस जेल के अंधेरे में अपने गुस्से के जोश में मत पूछने दो इस चिंगारी को मेरे दोस्त, मत बनने दो रुकावट इस छोटी सी कैद को हमारे बुलंद रास्ते की। ये सजा हमें बुजदिल बनाने के लिए नहीं और ठोस बनाने के लिए है।
मर्द की तरह आए थे तुम अपना गुनाह कबूल करने। दिखा दोगे सजा भुगतने के बाद भी तुम मर्द की तरह वापस जाओगे। उल्टा घर के सीधा, एक उल्टा एक सीधा। एक उल्टा एक सीधा। जरा ऊपर चलो, तुमसे दो प्यार की बातें हो जाए। चलो वरना चिल्लाऊंगा ऊपर से। पूरा फौजी है। माँ, तुम्हारी बहू मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानती। क्यों माने? मेजर होगा तू बाहर, घर में तो यही कमांडर है। तो चाहे कमांडर बनाएगी या उसकी सास? उसकी सास बनाएगी। मुझे देख देख जी नहीं भरा। अभी तो आंखें भी नहीं भरी। हटो, क्या हो गया है तुम्हें आज? उमा, आज मैं तुम्हारी तस्वीर अपने दिल में उतार लेना चाहता हूं, ताकि तुमसे दूर भी रहूं तो तुम्हें इसी तरह देख सकूं। मुझसे दूर क्यों रहोगे तुम? बताऊंगा तो रोगी? नहीं रोगी, बताओ। कैसे नहीं रोगी, हर औरत रोंदू होती है। माँ की तो बात ही मत पूछो, तुम भी फूं फूं करने में माहिर हो। झूठ। और अगर रुला दो तो? रुला हो जाए शायद कुछ। रोई तो बात नहीं करूंगा। और ना रोई तो मान जाऊंगा तुम्हें। ये कोई शर्त नहीं हुई, बनारसी साड़ी लूंगी। बैठ, शेक हैंड्स। को भी इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। पूरन चाचा। हाँ जी। एक प्लेट कुलचे छोले, छेती नाल। कुलचे छोले तो तैयार नहीं बादशाह, रगड़ा दूं। क्या है? ओए कुछ नहीं कुछ नहीं, आप खाइए आप खाइए। आप वो कैसे हो सकती हैं? भला एक करोड़पति की लड़की ऐसी कड़की के स्थान पर कड़क पानी पूरी का उपयोग कैसे कर सकती है? ये भी ठीक है। मैं भी यही सोच रही थी, भला एक कड़का इस कड़की के स्थान पर एक करोड़पति की बेटी से बदतमीजी की जरूरत कैसे कर सकता है? ये भी ठीक है। अरे अरे अरे, मैं उसे बुरा मान गई। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि इतने बड़े बाप की बेटी को लोग इस हालत में देखेंगे तो तमाशा बन जाएगा, अखबारों में तस्वीरें आ जाएंगी, सेठ जी की बदनामी होगी। अगर आपको भूख लगी हो तो चलिए सन एंड सैन होटल में लंच आज मेरी तरफ से रहा। सन एंड सैन होटल तेरे बाप का है क्या? वहाँ बिल कौन देगा? आपको इतना बड़ा दिल दे दिया तो क्या छोटा सा बिल नहीं दे सकता? पीछे हटो, तुझे तो अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, मुझे तो है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि मोनी और सोनी की है जोड़ी अजीब, सजनी अमीर और साजन गरीब। देव साहब के अम्बिशंस सिर्फ फिल्म के सब्जेक्ट तक ही नहीं थे, वो वर्ल्ड मैप पर अपनी जगह बनाना चाहते थे। उन्होंने गाइड को पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में बनाई, जबकि तीन देवियां का भी इंग्लिश वर्जन बना, ओ बॉय थ्री गर्ल्स। उन्होंने 1970 में एक इंडो फिलिपिनो फिल्म द ईविल विदिन में भी काम किया। देवानंद की जिंदा दिली ही उनके जीने का अंदाज थी। उनकी एवरग्रीन फिल्में और अंदाज की बातें बस यही खत्म नहीं होती। जब उनके एम्बिशंस इतने बड़े थे तो उनके बारे में बातें इतनी कम कैसे हो सकती हैं? इसीलिए अगले एपिसोड में भी हम एवरग्रीन देवानंद की बातें करेंगे।
तब तक मैं यानी अदा लेती हूँ आपसे विदा। आप सभी को नमस्कार और मेरा ढेर सारा प्यार। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। रखिए अपना ख्याल। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली, के उनको तो बुलाऊं। ओ हो हो, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाह, तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। ओ हो हो, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, ओ ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। ओ हो हो, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, चले जिनके लिए हम मिट चले हैं, जिनके लिए बिन कुछ कहे वो चुप चुप रहे, कोई जरा ये उनसे कहे ना ऐसे आजमाओ। ओ हो हो, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में जारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खोया खोया चांद।